हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विटी क्रिएटिविटी। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास। मैंने दो प्यारे से DIYs बनाए हैं जो बहुत ही सुंदर बने हैं। इसको मैंने प्योरली कार्डबोर्ड से बनाया है और यकीन ही नहीं होता कि ये कार्डबोर्ड से बने हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ अ फर्स्ट DIY। जो हमारे पार्सल्स आते हैं वो वाला बॉक्स मैंने लिया है। कभी कभी ऐसे धाराधार लाइन लाइन वाले कार्डबोर्ड भी पैकेजिंग में आ जाते हैं। नहीं आते हैं तो आप प्लेन कार्डबोर्ड का ऊपर वाला लेयर हटाएंगे तो ऐसा कोरिगेटेड कार्डबोर्ड आपको मिल जाएगा। सिंपली एक बॉक्स पे आपको एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल इस पैटर्न में ये सारे स्क्वायर्स कट करके चिपकाना है सारे तरफ से। फिर ऊपर का जो हिस्सा रह जाता है उसे भी मैंने कट कर लिया है और ये स्कीवर्स लगा दिए। एक्चुअली स्कीवर्स नहीं, दिस इज़ ऑल्सो वेस्ट मटेरियल। जो हम कुल्फ़ी खाते हैं ना, उसकी डंडियाँ मैंने इकट्ठा कर रखी थी, उसी को मैंने एडजस्ट पे चिपका दिया है। फिर जो हम दीवार पे वॉलपेपर आते हैं उसका पिछला हिस्से से मैंने ऐसे यू पेपर के रोल बना के उसकी चोटी जैसा बना लिया है। आखिर में ऐसे सेलो टेप से सिक्योर कर लिया है। ये हो गया हमारे बास्केट का हैंडल। इसको भी हम अभी एक्रेलिक कलर से पेंट कर लेंगे। अब बास्केट यूजुअली ब्राउन कलर की मुझे अच्छी लगती है। आप चाहे तो कोई डिफरेंट कलर भी ले सकते हैं, तो इसलिए मैंने ब्राउन एक्रेलिक कलर से इसे पेंट कर दिया है। अब पाउडर्ड गोल्डन कलर से मैंने ये कोरिगेटेड कार्डबोर्ड का हिस्सा जो उभरा हुआ है उसे हाईलाइट कर लिया है। अब बारी आती है हैंडल लगाने की, तो दिस इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट। इसके लिए आपको कोई स्ट्रॉन्ग ग्लू ही लगेगा, जो मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं था। तो मैंने क्या किया, जो हमारा मोल्डेड क्ले है उससे इसको चिपका दिया है। बस आपको इसे जगह फिक्स करके इस तरह से चिपका देना है एंड यू हैव टू वेट फॉर हाफ एन आवर टिल इट ड्राइज। एंड फिर आपका सुंदर सा बास्केट रेडी हो जाता है। मनपसंद फ्लावर्स डाल दीजिए, ये एक सेंटर पीस बन जाएगा कॉफ़ी टेबल पे, या फिर इसे कहीं हैंग कर दीजिए वेर एवर यू वॉन्ट। ये आपके घर की शोभा बढ़ाएगा। सो आई होप ये आपको पसंद आया होगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। इसके लिए मैंने सिंपली एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड शेप का कार्डबोर्ड कट कर लिया, उसको ब्लैक कलर से कलर कर दिया। फिर वही कोरिगेटेड कार्डबोर्ड जो हमने पहले DIY में यूज़ किया है वही मैं यहाँ पे चिपका रही हूँ, छोटे छोटे ब्रिक पैटर्न में, रेक्टेंगल शेप में छोटे छोटे कट करके। फिर ब्रिक पैटर्न में मैंने इसको दोनों तरफ से चिपका दिया है। बीच में आप कोई कोट लिख सकते हैं, आप इसको बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं, मैंने छोटा ही साइज़ प्रिफर किया। फिर मैंने एक्रेलिक कलर से ये वेलकम अच्छे से वाइट कलर से लिख लिया है। आप चाहें तो मार्कर्स का यूज़ कर सकते हैं। मैंने कार्डबोर्ड पे दो छोटे बर्ड्स ड्रॉ कर लिए, थोड़े लीव्स ड्रॉ कर लिए और उसे एक्रेलिक कलर से पेंट कर लिया है। वैसे ये जो ब्रिक्स मैंने बनाए थे ये ऐसे ही अच्छे लग रहे थे, फिर बाद में मैंने सोचा इसे ब्राउन कलर कर देती हूँ, तो मैंने कुछ लाइट और डार्क ब्राउन की शेड में इसे कलर कर लिया है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही रखेंगे तो भी अच्छा ही लगेगा। आप चाहे तो इसे ऐसे ही हैंग कर दीजिए, कहीं अच्छा ही लगेगा। बट जो हमने कार्डबोर्ड से बर्ड्स एंड लीव्स बनाए हैं उसे मैं इस पर स्टिक कर रही हूँ। फिर जो हमारी शॉपिंग बैग्स आती है उससे मैंने ये रोज़ बना लिए। इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है इसलिए मैंने उसे शूट नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं तो मैं फिर से इन रोज़ का वीडियो बना दूंगी। तो इन रोज़ेस को भी मैंने यहाँ वहाँ स्टिक कर दिया। आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, सिंपली क्यूट लिटिल बर्ड्स एंड लीव्स रखेंगे तो भी ये सुंदर लगेगा। सो इट्स रेडी, कितना प्यारा लग रहा है ये। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।